भारत की दूसरी सबसे लंबी सड़क का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, जो 8 लाइन की होगी। इसकी जो कुल खर्चा है 36,410 करोड़ की बजट का है। ये मेरठ से होकर प्रयागराज तक जाएगी। भारत में कोरोना के सेकेंड वेव के महामारी के समय में भी यूपी के जो गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू होने जा रहा है, जो 12 जिले से होकर 30 तहसील को जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे के सड़क के निर्माण में जो कुल खर्चा आने वाला है वो 36,410 करोड़ की बजट बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा बजट है। और इस महामारी के समय में भी यूपी के सरकार ने ये कार्य को शुरू किया है। ये भारत के दूसरी सबसे लंबी सड़क है, जो 594 किलोमीटर है, जिसमें 8 लाइनें हैं। ये काफ़ी लंबी और बड़ी देखने में है। तस्वीर में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। एक अच्छा पहल है जो जो कि मेरठ से होकर प्रयागराज तक आएगी, 12 जिले होकर जाएगी और 30 तहसील को जोड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट कर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद।